स्वतंत्रता दिवस के नजदीक आते ही बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के करीबी इलाकों में अपनी चौकसी बढ़ा दी है। पेट्रोलिंग टीम में शामिल बीएसएफ की महिला जवान भी पूरी तरह से मुस्तैद और किसी भी हालात का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनके लिए गर्मी, बारिश या ठंड मायने नहीं रखती। बीएसएफ की महिला जवान बताती हैं कि उन्हें घुसपैठ, ड्रोन हमले और तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटना होता है। हम पूरी तरह से तैनात हैं यहाँ पर। हम अपनी पूरी तरह से ड्यूटी यहाँ पे परवाह कर रहे हैं ताकि देशवासियों को कोई दिक्कत ना आए। बाकी इस बात का हमें बहुत गर्व है कि हम बीएसएफ में भर्ती हुए हैं और हमें ये मौका मिला है कि हम देश की सेवा कर सके, ताकि हम देश की सेवा कर सके और देशवासियों को कोई दिक्कत ना आए हमारे रहते हुए यहाँ पे। सर, इस बॉर्डर पर ज्यादातर घुसपैठ, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, तस्करी होती है और ड्रोन चैलेंज रहता है, ड्रोन एक्टिविटी होती रहती है, तो हमें उन चुनौतियों को सामना करना पड़ता है। सर, गर्मियों में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, लेकिन हमें इन सब की ट्रेनिंग दे रखी है ट्रेनिंग सेंटर्स में, तो हम इस मौसम का सामना करने में सक्षम है। यह है कि हम देश की सुरक्षा कर रहे हैं, वो भी एक महिलाओं को पहले ऐसे देखा जाता था कि महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता था, लेकिन अभी वो वक्त नहीं रहा है क्योंकि हम फोर्स में हैं, तो हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक जवान अलग है, जवान के लिए अलग ड्यूटीज हैं, अलग टास्क हैं, कोई हमारे बीच कोई डिफरेंस नहीं है। और हम बड़ा फक्र महसूस करते हैं कि महिला को पहले बोला जाता था कि महिला सिर्फ घर तक सीमित है, आज वो वक्त नहीं रहा। एक महिला आज घर भी संभाल रही है और अपने देश की सुरक्षा, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यहाँ पर अपने देश की सुरक्षा भी कर रही है। जम्मू रीजन में आतंकवादी गतिविधियों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी के जवाब में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही हर तरह के खतरे से बेहतर तरीके से निपटने के लिए खास रणनीति तैयार की गई है। इस जो स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, इसको देखते हुए हम देशवासियों को यही कहना चाहेंगे कि बीएसएफ जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है इंडिया की, वो पूरी तरह से तैयार है बॉर्डर के ऊपर किसी भी परिस्थिति में कोई भी चैलेंज स्वीकार करने के लिए। यहाँ पे चैलेंजेस मेन है क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, और हमारे ऊपर स्नाइपिंग हो सकती है और इन्फिल्ट्रेशन का खतरा बहुत ज्यादा है, और एक अभी मेजर चैलेंज है ड्रोन का। अधिकारियों के मुताबिक सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें हुई, लेकिन अलर्ट बीएसएफ जवान 24 घंटे चौकन्ने रहते हुए जल, थल या वायु से आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं।